हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ की ना, आप देख रहे हैं मेरा चैनल की जीरो यू। एंड गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ये फोटो पे ट्यूटोरियल, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंड इस फोटो को मैंने कैसे एडिट किया है सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए गाइस। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, एंड एक भी स्टेप मिस नहीं करना। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको स्टेप बाई स्टेप बताया है, वैसे कुछ इतना भी स्टेप नहीं है, बट मतलब कैसे इसको मैंने कलर ग्रेड किया मैं पूरा बताऊँगा आप लोग को इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एंड मैं आप लोग को पहले इस इमेज का बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। ये तो मैंने एडिट किया है, एंड आप इसका पहले इमेज कैसा था वो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से था। एंड इसको मैंने एडिट करके कुछ इस तरह से लाया है। सो, इसको मैंने कैसे किया सब कुछ बताने वाला हूँ उस वीडियो में, तो यार चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले करना क्या है आप लोग को, जो आपका मतलब फ़ोन है उसमें लाइटरूम एप्लीकेशन अगर नहीं डाउनलोड किया तो कर लो, उसका मैंने लिंक दे रखा है। एंड वहाँ पे मैंने एक लिंक और दिया मेरे इंस्टाग्राम पे, आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, ये फ़ोटो को मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन में ऑलरेडी ओपन कर लिया है, तभी तो आप लोगों को बिफोर आफ्टर एडिट करके दिखाया हूँ। तो अभी हम इसको करेंगे क्या, सबसे पहले तो मैं इसको जो भी है ऑल एडजस्टमेंट सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। एंड अब आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ मैंने क्या क्या किया है इसमें। सो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ से सन वाला आइकन पे आना है। वैसे हमारी इमेज में तो बहुत अच्छी लाइटिंग है, सब कुछ ओके है, डिटेल वगैरह भी सब कुछ सही है, फिर भी जस्ट थोड़ा सा छेड़ लेते हैं इसको भी। एंड गाइस, ये जो लाइटिंग है ये सब आपको नहीं कॉपी करनी है, ये सब आपकी इमेज के हिसाब से रहेगा। और ये फ़ोटो में हमारी जो लाइटिंग है वो बहुत ही अच्छी है, तो हमें ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं पड़ा। कि हमने जो ये पीके हमने मॉर्निंग के टाइम पे क्लिक की थी, एंड उसके बाद सिंपली यहाँ से टेम्परेचर वाले आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है गाइस। एंड यहाँ से जो इसका टेम्परेचर है ये हमें थोड़ा वार्म करना है कुछ इतना, एंड वाइब्रेंस को थोड़ी सी डाउन कर लेनी है, एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है गाइस। एंड इतना करने के बाद गाइस, जो हमारा सेकेंड स्टेप है ये है कलर ग्रेडिंग मिक्स टूल पे आना है यहाँ पे। एंड यहाँ से जो ये फर्स्ट वाला है रेड कलर, इसको सिलेक्ट करना है, एंड इसका सेचुरेशन हमें इंक्रीज़ करना है बस 12 कर लेना है। एंड यहाँ से सेकेंड वाला ऑरेंज कलर है, इस पर आना है, एंड यहाँ से इसका सेचुरेशन डाउन कर देना है। बेसिकली हमारे ये स्किन की दवा का है तो जो सबको पता होगा। एंड यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है आप लोग को, एंड येलो कलर का जो यू है हमें कुछ इतना रखना है, एंड सैचुरेशन को भी थोड़ा सा डाउन कर देना है कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद ग्रीन कलर पे आना है, इसका भी यू हमें इतना कुछ रख लेना है, एंड इसका भी सैचुरेशन थोड़ा सा डाउन कर देना है कुछ इतना। एंड उसके बाद ये जो स्काई ब्लू है इसको सिलेक्ट करना है, एंड इसको इसका जो यू है हमें इसको पूरा ही डाउन कर देना है कुछ इतना, एंड सैचुरेशन को भी पूरा डाउन कर देना है गाइस। एंड उसके बाद यहाँ से डन कर लेना है। इतना करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कितना अच्छा चेंजेस आया हमारी इमेज में, बिल्कुल ही अलग ही लुक आया है। एंड इसके बाद यहाँ से हमें बॉक्स वाला आइकॉन पे आना है, थोड़ा सा विग्नेट ऐड करना है, थोड़ा टेक्सचर एंड थोड़ा सा क्लैरिटी। एंड उसके बाद ट्रायंगल वाले आइकॉन पे आ जाना है, थोड़ी सी शार्पनिंग बढ़ा लेनी है कुछ इस तरह से। एंड ये जो एडजस्टमेंट है आपको आप अपने इमेज के हिसाब से रखना, क्योंकि आपकी इमेज में अलग अगर डिटेल रही या अलग ही मतलब रहा लाइटिंग वगैरह एंड क्लैरिटी वगैरह इमेज की। सो आपको कुछ आप चाहो तो कुछ इस तरह से भी रख सकते हो, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। एंड हमारा इमेज जो फाइनल रिजल्ट आया है ऐसा है, बट अब हम इसमें थोड़ा सा लाइटिंग ऐड करेंगे। सो मैं जो ये फर्स्ट पहला ऑप्शन वाला है, अभी जो नया आया फर्स्ट पहला वाला ऑप्शन, उस पर आना, यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करना है हमें, टॉप पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से कुछ इतना। एंड यहाँ से सन वाले आइकन पे क्लिक करके इसका एक्सपोजर इंक्रीज़ करना है, एंड आप अपनी इमेज के हिसाब से करना, आपको जितना अच्छा लगे उतना ही करना, ज़्यादा नहीं करना, एंड कुछ इस तरह से कर लेना गाइस। एंड अब भी आप बिफोर आफ्टर देखो, बहुत ही अच्छा चेंजेस आया हमारी इमेज, बहुत ही अच्छे से एडिट हो गई है। सो एंड यहाँ से शेयर पे क्लिक करके, यहाँ पे सेव टू डिवाइस कर क्लिक करके आपको अपनी इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। आई होप यू गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड यार इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो यार वीडियो करना एक लाइक।
चैनल पे नया हूँ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। एंड आपको किस टाइप का कलर टोन चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या है एकदम सिंपल तरीके पे। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।